एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा दिन है, बिकॉज आज जो है एससी में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने जाने वाली है। नीट के ऊपर, नीट मामले पर हियरिंग होगी आज कंप्लीट। जो है क्या चांसेस हैं कि आज जो है सॉल्यूशन निकल जाए और आज जो है पता लग जाए कि क्या यहाँ पर फाइनल होने वाला नीट ऑल इंडिया कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली नई याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, जिसमें 29 जुलाई 2021 में जो पास किया कर दिया गया था कि 27% आरक्षण मिलेगा ओबीसी को एंड 10% आरक्षण मिलेगा ईडब्ल्यूएस को सेंटर में, वो यहाँ पर जो है उसको लेकर जवाब मांगा है कि सरकार से कि ये इतना आरक्षण कैसे कर दिया है, इस पर जो है जवाब मांगा है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको तुरंत रद्द किया जाए। इस पर जो है आज हियरिंग होने वाली है, देखेंगे कि क्या यहाँ पर अपडेट आएगी। हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आज यहाँ पर चांसेस हैं कि आज यहाँ पर फाइनल डिसीजन, सो आज हियरिंग है और आज पता लग जाएगा कि क्या यहाँ पर ये आरक्षण वाली चीज़ लागू रहने वाली है या फिर हटने वाली है। तो यहाँ पर 6 सितंबर की सुनवाई वाली बेंच ने, 6 के बाद अभी जो सुनवाई होनी है वो आज होनी है, 20 सितंबर को निर्देश दिए गए थे। तो आप सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेडिकल कोर्स के लिए नीट दाखिले की अखिल भारतीय कोटा श्रेणी में 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले एक रीट याचिका में नोटिस जारी कर दिया है। उसके साथ साथ अपील की है कि 29 जुलाई 2021 को जो नोटिस जारी किया गया था उसकी अधिसूचना को भी रद्द किया जाए। तो ये है कम्प्लीट अपडेट आप लोगों के लिए है। और इसके साथ साथ याचिका में क्या बोला गया हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि अत्यधिक आरक्षण शिक्षा के न्यूनतम मानकों से समझौता करता है। अगर आरक्षण ज़्यादा दे दिया जाए तो जो एजुकेशन रहेगी उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। सरकार शिक्षा के स्तर से समझौता नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय हित के लिए विद्वानों की दक्षता को कम नहीं कर सकती है। राष्ट्र के व्यापन हित के लिए किसी भी क्षेत्र में योग्यता एवं उत्कृष्टता को कम करना एक खतरनाक हो सकता है। जो ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है वो भी यहाँ पर जो अच्छा नहीं है, ये बोलना है एससी का, सुप्रीम कोर्ट का। बिकॉज जब ज़्यादा आरक्षण होता है तो जो जिनको आरक्षण मिलता है उनकी कट ऑफ ज़्यादा कम जाती है, उसके साथ साथ जिनको आरक्षण नहीं होता उनकी कट ऑफ यहाँ पर जो है काफ़ी हाई जाती है। इस वजह से अनइक्वेलिटी जो है देखने के लिए मिलती है। तो यही एससी में बोला है एंड इस पर आज फाइनल हियरिंग होनी है। जो भी अपडेट आएगी हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ऐसी लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।